Top 20 News is brought to you by Aura Fine Jewelry. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अगले महीने फिर अमेरिका जाएंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन और राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि आज देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जनधन योजना के 10 साल हो गए हैं। इस अवसर पर मैं सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने आज बीजेपी के 12 घंटे के बंगाल बंद के आह्वान के खिलाफ प्रदर्शन किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज होगी। इस बैठक में पार्टी अपने उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट पर चर्चा कर सकती है। कोलकाता रेप और मर्डर मामले में पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स आज कोलकाता में बड़ी रैली करेंगे। इसके अलावा बीजेपी महिला मोर्चा पश्चिम बंगाल महिला आयोग के खिलाफ आज प्रदर्शन भी करेगा। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के विरुद्ध रामपुर की MP MLA कोर्ट में चल रहे चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में आज फैसले के लिए तारीख तय है। अगले साल की शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा की प्रदेश इकाई ने संतोष ओझा को पूर्वांचल मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया है। चिली के विदेश मंत्री अल्बर्टो वैन क्लोवेरिन राजधानी दिल्ली पहुंच गए हैं। क्लोवेरिन दूसरी भारत चिली संयुक्त आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के बाद आज पहली बार मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है। इससे पहले कैबिनेट की मीटिंग होती रहती है, लेकिन मंत्रिपरिषद की बैठक पहली बार होने जा रही है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर हाल ही में हुई दो घटनाओं के बाद अब पीएम मोदी इसकी समीक्षा करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। केंद्र ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा Z+ से बढ़ाकर ASL में तब्दील कर दी है। ये सुरक्षा पीएम मोदी और अमित शाह को भी मिलती है। फिल्म इंडस्ट्री की सीनियर एक्ट्रेस सुहासिनी देशपांडे का मंगलवार 27 अगस्त 2024 को निधन हो गया है। महाराष्ट्र में कुछ महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है। इलेक्शन से पहले प्रदेश की राजनीति में MPA और NDA के बाद एक नया गठबंधन देखने को मिल सकता है। महाविकास आघाड़ी ने आज एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में शरद पवार और उद्धव ठाकरे समेत सभी बड़े नेता शामिल होंगे। मुंबई में दही हांडी कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह देखा गया, हालांकि इसमें शामिल कई गोविंदा घायल भी हो गए हैं। दही हांडी उत्सव के तहत मानव पिरामिड बनाने में शामिल 206 गोविंदा घायल हो गए हैं। बृहन्मुंबई नगर निगम की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में जम्बोरी मैदान में गोविंदा पथक ने अफजल खान हत्याकांड का नाट्य रूपांतर किया। कई जगह अफजल खान वाले पोस्टर भी लगाए गए। मुंबई की एक अदालत ने एक युवक को महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का दोषी पाया है। दावा है कि आरोपी ने महिला को आग मारी और उसका हाथ गलत तरीके से छुआ था। महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि जो श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं वही आने वाले विधानसभा चुनाव की हांडी फोड़ेंगे। घरेलू शेयर बाजार में आज जोरदार तेजी देखी जा रही है, जिसमें सुबह 9:41 पर NSE का निफ्टी 32.05 अंक या 0.13% की तेजी के साथ 24,985.70 पर कारोबार कर रहा है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यू ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC News। नमस्कार।